बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मित्रता का चमत्कार। घटना तब की है जब राजस्थान कई राज्यों में बंटा हुआ था। उन दिनों हरिगढ़ का राजा था हरि सिंह और मोहनगढ़ का राजा मोहन सिंह था। दोनों पड़ोसी राजा पक्के मित्र भी थे। एक दिन हरी सिंह अपने मित्र से मिलने गया। काफी समय बाद मिलने आए मित्र की मोहर सिंह ने खूब आवभगत की। संध्या के समय दोनों मित्र भूली बिसरी बातों में मगन हो रहे थे। तभी ढोल बजने का स्वर सुनाई दिया। मोहन सिंह ने सेवक को आज्ञा दी, जाकर पता करो महल के सामने ये ढोल कौन बजा रहा है। अन्नदाता एक सत्संगी है, वह ढोल बजाकर अपने आने की प्रजा को सूचना दे रहा है, सेवक ने आकर बताया। उस सत्संगी को मना कर दो कि महाराज का हुक्म है, आइंदा महल के सामने ढोल न बजाए, नहीं तो जीते जागते कोई जमीन में गड़वा देंगे। जो हुक्म अन्नदाता। तुरंत ही ढोल बजना बंद हो गया, पर यह शांति जल्दी ही भंग हो गई। दोनों मित्रों की बातों में फिर बाधा पड़ी। कहीं कोई नगाड़ा बजाने लगा। अब तो मोहन सिंह का क्रोध भड़क उठा। बोला, जाकर नगाड़ा बजाने वाले को जेल में बंद कर दो और कल सुबह हमारे सामने उस गुस्ताख को हाजिर करना। हरि सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, तुम्हें इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे महल के पास ढोल नगाड़ा बजा भी दिया तो कौन सी हानि हो गई? हानि तो नहीं हुई, पर यह मेरी शान का अपमान है। मैं ये कतई सहन नहीं कर सकता कि कोई मेरे महल के सामने अशिष्टता दिखाए। किंतु तुम किस किस को मना करोगे? मोहर सिंह ने पूछा। जो भी ऐसी गुस्ताखी करेगा, बेशक वह कोई भी हस्ती क्यों ना हो, मोहर सिंह ने गुर्राते हुए कहा। चाहे मैं तुम्हारा आत्मीय दोस्त ही क्यों ना हूँ? हरि सिंह ने पूछा। हाँ, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो, मोहर सिंह ने क्रोधित होकर उत्तर दिया। यह सुनकर हरि सिंह दंग रह गया। फिर पूछा, मित्र, क्या तुम अपने हट के लिए मेरी पुरानी दोस्ती ठुकरा कर शत्रु बन जाओगे? यह हट नहीं, मेरे सम्मान का प्रश्न है, समझे? मोहर सिंह ने कहा। ओहो, इतना अहंकार! तो फिर सावधान रहना, मैं जल्दी ही आकर तुम्हारे महल के आगे सैकड़ों ढोल नगाड़े एक साथ बजवाऊंगा। मैं देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारे ढोल नगाड़े बजाने वालों को भी। मोहर सिंह गरजा। एक भी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा, मोहर सिंह ने हुंकार भरी। मैं जो कह रहा हूँ करके दिखाऊंगा, तुम बुला लेना अपने योद्धाओं को। यह धमकी देकर हरि सिंह चलता बना। इस तरह मामूली सी बात का बतंगड़ बन गया। 3 दिन बाद ही हरि सिंह अपनी सेना समेत मोहनगढ़ की ओर रवाना हो गया। उधर मोहर सिंह की सेना भी लड़ने को तैयार खड़ी थी। उसका हुक्म था ढोल नगाड़ा महल के पास जरा भी न बजना चाहिए। मोहन सिंह की विवेकशील रानी ने उसे खूब समझाया, पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। विवश होकर रानी को राजगुरु के पास जाना पड़ा। उनको सारी घटना बता दी। राजगुरु सुनते ही चल दिए। उन्होंने देखा दोनों ओर की सेना आपस में भिड़ने वाली है। वे लपकते हुए बीच में जा डटे। दोनों राजाओं को अपने पास बुलाया। वे दोनों ही राजगुरु को बहुत मानते थे। उन्होंने आकर चरण छुए और सिर नवाकर खड़े हो गए। राजगुरु ने पूछा, क्या तुम्हें आने वाले संकट का स्वर सुनाई दे रहा है? वे दोनों राजा थोड़ी देर सांस रोके सुनते रहे। उन्हें कहीं से भी कोई भनक सुनाई नहीं दी तो दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं, कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। इसका मतलब है कि तुम दोनों ही अति लापरवाह राजा हो। यह तो बड़ी चिंता की बात है। दूर कहीं विदेशी हमलावर मौके की ताक में सजग बैठा है। गुप्तचरों द्वारा उसे तुम्हारी आपसी शत्रुता की सूचना मिल चुकी है। वह तुम्हें एक एक को हराकर बड़ी सरलता से तुम्हारे राज्य हथिया लेगा। लज्जा और दुख की बात है कि मित्रता के लिए मर मिटने की बजाय
तुमने मामूली सी बात के लिए मरने मारने की ठान ली, क्या यही तुम्हारी मित्रता का नतीजा है? गुरुजी ने पूछा। पर दोनों राजाओं को कोई उत्तर नहीं सूझा। वे अपने हठधर्मी पर इतने दुखी हुए कि उनके मन में फिर से प्रेम भाव उमड़ आया। दोनों ने जीवन भर मित्रता निभाने का पुनः प्रण किया और प्यार से गले मिले। कुछ दिनों बाद वास्तव में उन पर विदेशी आक्रमण हुआ, पर उनकी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। थोड़े से जांबाज सैनिकों ने टिड्डी दल हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए। राजगुरु ने दोनों राजाओं और उनकी सेना के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सबने देख लिया ना मित्रता का चमत्कार। अब तुम दोनों मित्र अपने अपने राजपाट के संचालन में एक दूसरे का सहयोग करो, यश कमाओ। एक दिन हरि सिंह अपने आत्मिक दोस्त से मिलने गया, तभी एक मिरासी महल के आगे ढोल बजाने लगा। हरि सिंह ने कहा, मोहर सिंह देखो ना, आज फिर कोई महल के आगे तुम्हारी शान का अपमान कर रहा है, क्या उस गुस्ताख को मना नहीं करोगे? नहीं, उसे बजाने दो, कारण ऐसी आवाजों की अब मेरे कान परवाह नहीं करते। ये तो सिर्फ शत्रु के आने की भनक सुनने के लिए ही हर घड़ी सजग रहते हैं। यह बात कहते हुए मोहर सिंह ने अपने दोनों कान पकड़ लिए तो हरि सिंह को हंसी आ गई। फिर तो दोनों मित्रों की हंसी से महल गूंजने लगा। मोहर सिंह की रानी भी मुस्कुराने लगी।